नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज, देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ, आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। नहर में युवक का पैर फिसलने से गई जान, नहीं मिला शव। आगरा में फिर मिले कोरोना संक्रमित मरीज। नशा मुक्त अमेठी अभियान के अंतर्गत दो अभियुक्तों सहित लगभग 5.5 लाख रुपए का नशीला पदार्थ हुआ बरामद। राजस्थान में 24 कोरोना सैंपल में 7 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रधान द्वारा किए गए 13 कार्यों की गई जांच। आगामी दीपावली के पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुआ शांति समिति की बैठक का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। झांसी BHL चौकी अंतर्गत खेलार के पास निकली नहर में नहाने गए युवक प्रदीप का पैर फिसलने के कारण नहर में डूब गया। काफ़ी ढूंढने के बाद भी अभी तक प्रदीप का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने भी काफ़ी मशक्कत की ढूंढने में, लेकिन फिर भी कोई भी पता नहीं चल सका। प्रदीप नामक युवक जियो टावर में तेल डालने का काम करता था। ये मामला हुआ का नाम थे कि उसने नहा रहा था, नहाने के बाद किनारे बस एकदम पैर फिसला, बस चला गया अंदर। कौन नहा रहा था? प्रदीप। प्रदीप हाँ। कौन गांव का? कुपवार गांव का। कुपवार गांव का हाँ। कितनी देर पहले घटना है? कम से कम 1 घंटे हो गए। सूचना पुलिस को दी थी? तुरंत है का नाम थे कि हम लोग गए हाँ? तुरंत है। ढूंढने की कोशिश नहीं करी? नहीं, कोशिश तो बहुत की का नाम थे मगर मिला नहीं। नहीं मिला? आपके सामने वो पानी के अंदर डूबा है? हाँ, मेरे सामने पानी। आप ही के साथ था क्या वो? साथ में आए थे हम लोग। आप लोग कहाँ से हैं? कानपुर के रहने वाले। काम करते हैं क्या इधर? यहाँ जियो की गाड़ी का खाना तेल डालते हैं जियो में। तो आपने बचाने की कोशिश नहीं की उसको? बता तो रहे, रस्सी डाल के निकालने की कोशिश किया मगर रस्सी पकड़ नहीं। दूसरा आदमी का एक कप खुदाया अपने साथ वाले का, वो भी डूबने लगा, उसको निकाल दिया। कहाँ तक चला गया? तो वह था आपने देखा? हम सब हमारे खाना होते 100 फुट तक। 100 फुट तक चला गया था। ठीक है। कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकने में अपना पूरा योगदान निभाने वाले SSP आगरा बबलू कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनके कुछ सगे संबंधियों में कुछ संक्रमण निकला है। SSP ने खुद ट्वीट कर संक्रमण की दी जानकारी और अपने संपर्क में आए लोगों से प्रोटोकॉल फॉलो करने की अपील। आपको बता दें कि SSP बबलू कुमार के कोरोना संक्रमित निकलने पर उनका स्टाफ भी 48 घंटे के लिए आइसोलेशन में चला गया। DM प्रभु एन सिंह ने भी उनके साथ कई मौकों पर शासकीय कामों में प्रतिभाग किया था, इसलिए DM भी अपनी जांच सोमवार को जल्द कराएंगे। SSP के स्टाफ की जांच की जा रही है। मुक्ति अमेठी अभियान के अंतर्गत दो अभियुक्तों सहित लगभग 5.5 लाख रुपए का नशीला पदार्थ हुआ बरामद। अमेठी जिले में अवैध मिश्रित शराब की बिक्री के विरुद्ध व नशा मुक्ति अमेठी अभियान के अंतर्गत दिनांक 6/11/2020 को उप निरीक्षक उपेंद्र प्रताप सिंह थाना शिवरत्न में हमराहा द्वारा मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल सवार दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। चौहरजा पुत्र राम मनोहर, संतोष पुत्र प्रजापति राम कुमार को मजार के पास समय करीब 5:40 पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त चौहरजा के कब्जे से 1 पेटी 40 cc अवैध अपमिश्रित शराब, 8 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा हुआ बरामद। आज किस तरह का खुलासा किया जा रहा है यहाँ पे? ये नशा मुक्ति अमेठी अभियान के तहत कल सूरतनगंज पुलिस द्वारा सायंकाल चौहरजा और संतोष कुमार, जो पश्चिम पूर्वा मजरी बसंतपुर के रहने वाले हैं, मुखबिर की सूचना पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ पर और इनके कब्जे से तथा इनकी निशानदेही से 15 किलो 900 ग्राम गांजा, 73 cc अवैध अपमिश्रित शराब, 10,000 ढक्कन, 3,000 गत्ता, 50 खाली सीसी, 48 रैपर और 5 लीटर स्प्रिट, 2 अदद प्लास्टिक ड्रम बरामद किया गया है। एक अभियुक्त देशराज, जो बसंतपुर का ही रहने वाला है, भागने में सफल रहा। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है और फरार अभियुक्त की तलाश की जा रही है। इसकी लागत क्या हुई जो बरामद? ये जो कीमत है वो लगभग सभी मिलाकर के वो 5,50,000 के आसपास आएगी। पानी मंडी राजस्थान में 24 कोरोना सैंपल में से 7 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजकीय चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर KL पटेरिया जी ने BPN न्यूज संवाददाता किशोर तंवर को फोन पर जानकारी उपलब्ध कराई।
बीपीए संवाददाता एवं डॉक्टर केएल पटोरिया की ऑडियो भी हुई वायरल। हेलो नमस्कार की सर। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, क्या स्थिति रही कल की जांच की? 24 सैंपल्स में से 7 पॉजिटिव केसेस इन भवानी मंडी नगर पालिका क्षेत्र। जी अच्छा। और इनमें से 2 बैंक कर्मी है जी, 1 आरटीएम कर्मी है जी, और 3 नायकर की फैमिली के सीताराम धर्मशाला के पास जी जी जी। तो और एक हाँ हाँ, और एक कोई खंडेलवाल, रामेश्वर खंडेलवाल करके है, पता नहीं कोई तो कुल मिला के 7 पॉजिटिव पाए गए आज। यस। तो इनको आइसोलेट कब किया जाए, वो क्वारंटीन कब करेंगे? नहीं, क्वारंटीन तो कर चुके अपन इनको। तो फिर अच्छा, और कल देख लेते हैं इनके घर में जो भी है मेडिसिन वगैरह। अच्छा, तो कितने बजे तक करेंगे आप लोग पधार, बता पाएंगे क्या? सब कर देंगे 11 बजे के पहले कर देंगे। अच्छा अच्छा। और कुछ लोगों के तो हम भी कर चुके हैं। अच्छा जी 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 जी। हाँ तो ठीक है, फिर जैसी भी जो हो आप जानकारी बताना मेरे को, है ना सर? ठीक ठीक सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मनियर वालिया मणिकपुर ग्राम प्रधान की 13 कार्यों में की गई अंतिम जांच। मनियर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा मणिकपुर में निलंबित ग्राम प्रधान द्वारा किए गए कार्य की अंतिम जांच करने पर पुलिस प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के साथ पहुंचे जिला अल्पसंख्यक जिलाधिकारी विजय शंकर। प्रधान द्वारा किए गए 13 कार्यों की गई जांच अल्पसंख्यक अधिकारी विजय शंकर ने बताया कि इसके पहले भी प्रारंभिक जांच हो चुकी है। केवल देखना है उसका, प्रभाव जी। कहाँ के रहने वाली है आप? मणिकपुर। ठीक, आपका वार्ड नंबर कितना है? 4। आप वार्ड मेंबर है यहाँ की? हाँ। जी, अभी जो जांच हुई है नाली के लिए, नाली कब की बनी है लगभग? नहीं बता रहे हैं कि 30 वर्ष पहले के बने। एक बार प्रधान हुआ है सिंह, नहीं रामजस प्रधान, तो वही एक धराए है, ओकर बाद कुछ नहीं हुआ। कंचन, कंचन पूरे नाम बताओ। कंचन, कंचन कंचन हो गया ना? कहाँ पर लाओ? चलिए सर, 100 मीटर आगे है। चलिए सर, चलो एक टली इधर भाई साहब। क्या इसमें कोई प्रोजेक्ट ढक्कन कोई इंटरलॉकिंग हुआ है तुम्हारे साथ आपका कहीं घर? नहीं, से है ना, वहाँ से वहाँ। रमेश वर्मा घर कौन सा? आगे आगे है ना। कहाँ बोला हुआ? ये नाली कोई बनी है क्या यहाँ पे? कोई काम हुआ है पिछले 4-5 सालों में? 3 साल, 4 साल, 5 साल में जो भी कोई नाली निर्माण हुआ, ढक्कन पर लगा था कोई? प्रधान के बनवाए कहा? नवीन नहीं, कौन सा है? कौन सा है? तेज बोला, मैं सुनाई पर जब वहाँ बनाया पता है कौन सा नाली, ये है नाली किधर बनाई, किधर है नाली? नाली बीच में नाली है। आपने एक पर्ची पर रखी है? हाँ। मैं विजय शंकर, जिला अर्थन संघर्ष के अधिकारी हूँ जिले में। जैसे आज गांव में आए थे, क्या मामला था? ये मामला था, यहाँ के पहले जांच हुई थी, प्रारंभिक जांच डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर की अध्यक्षता में हुई थी। उसमें कुछ बिंदुओं में, 12-13 बिंदुओं पे दोषी पाए गए थे प्रधान, उसमें उनका पावर सीज किया गया था, कर दिया गया है, और उसी की अंतिम जाँच के लिए हम लोग आज आए हुए हैं। मैं हूँ और हमारे साथ टीम में यही DRDA साहब भी है, तो हम लोग उस जांच को अंतिम देने आए हैं। हम उन्हीं को जो जांच पहले हुई थी वो सही है, हुई है कि नहीं हुई है, हम कल उसी जांच को, नई जांच, नई तथ्य को नहीं खोजा है। सर, अभी जो आप धरातल पर जांच की, उसमें क्या सत्ता पाई गई? नहीं, ये नहीं बताया जा सकता, ये रिपोर्ट।
आगामी दीपावली के पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुआ शांति समिति की बैठक का आयोजन। उन्नाव 8 नवंबर 2020 जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मास्क नहीं तो माल नहीं का बाजारों में कराया अनुपालन। जिलाधिकारी ने दिए सफाई अभियान चलाने के निर्देश। 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहे चिकित्सा विभाग। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से की आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील।